अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी वे फॉर रेड। सो आज हम दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे वीडियो ट्रांजिशंस, और सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो स्पीड्स। आप लोगों ने अक्सर स्लो मोड देखे होंगे, रिवर्स मोड पर वीडियो प्ले होती हुई देखी होगी, और सेकंड आपने फास्ट मोड पर वीडियो को अक्सर देखा होगा टिकटॉक पर, स्नैप वीडियोज पर, या यूट्यूब पर भी आप इस वीडियोज को देखते ही होंगे स्लो मोड पर। सो आज हम दोस्तों इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, और इन टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर। सो इसके लिए जाना होगा हमें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो हम यहाँ आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये देख सकते हैं कि हमने Adobe Premiere Pro को ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि हमने अपनी इस वीडियो में करना क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे वीडियो ट्रांजिशंस, मींस कि आप किसी भी किस्म की वीडियो में ट्रांजिशंस को ऐड कर सकती हैं, और डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। जैसे आपकी वीडियो होगी, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस टाइप की। अगर आपकी वीडियो है और सिंपल वीडियो, तो आप सिंपल ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। और सेकंड हम जो बात करेंगे वो है स्पीड ड्यूरेशंस के बारे में। स्पीड ड्यूरेशन पे ये है कि आपने अक्सर दोस्तों टिकटॉक पर देखा होगा, स्नैप वीडियो पर देखा होगा कि स्लोमोज बने होते हैं, या आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि फास्ट मोड पर वीडियो प्ले होती है, या थर्ड ऑप्शन में ये भी है कि रिवर्स मोड पर वीडियो प्ले हो रही होती है। तो वो हम काम कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। हम इस प्रीमियर प्रो से काम ये कर सकते हैं, और एक क्लैरिटी के साथ हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को इम्पोर्ट कर दें। क्या तरीका है, सबसे पहले आप डबल क्लिक करें इस प्रोजेक्ट मैनेजर पर, और यहाँ पर हम वीडियोस को ले लेंगे। यहाँ से मैं इस फोल्डर को भी कर सकता था, मगर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सिंपली हम इस फोल्डर को ओपन करके सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर हम सिंपली इसको ओपन कर देते। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी 5 वीडियोस, और मैं यहाँ चाहूँगा कि हम यहाँ पिक्चर्स को भी ऐड कर दें। पिक्चर्स को भी हम सिंपली ऐड कर देते हैं डबल क्लिक करके, क्योंकि पिक्चर्स हमारी वो होंगी जिसमें अगर मैं आपको ट्रांजिशन अगर आप सिखाता हूँ तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 पिक्चर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कंटेंट को तो फिल कर दिया, कंटेंट जितना भी है वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो अब मुझे दोबारा यहाँ पर फाइल मैनेजर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली मैं जैसे ही यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा जिस वीडियो को, तो वो मैं सिंपली यहाँ से ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इन वीडियोस में से किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पैनल पर ड्रॉप कर दूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कि हमारा टाइमलाइन पैनल है उस पर हमारी वीडियो सेगमेंट भी आ चुकी है, और हमारा ऑडियो सेगमेंट भी आ चुका है। सो आप यहाँ फोर्थ पैनल जो कि हमारा आउटपुट पैनल है उसमें भी आप इसकी रिटर्न मीन्स की इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन को ऐड करने से पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर विदाउट ट्रांजिशन एक क्लिप को आपको दिखाया जाए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक और क्लिप को ऐड किया, तो अब मैं इसको प्ले करूँगा। तो आपने ऐसा फील किया होगा कि हमारी वीडियो कितनी रफ टाइप बनी हुई है, कोई इसमें कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने अपनी वीडियो को एडिट किया हुआ है। सो ट्रांजिशन ऐड करने के बाद क्या होगा कि हमारी वीडियो में कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ट्रांजिशन कैसे ऐड करनी है, आप सिंपल आना है अपने प्रोजेक्ट पैनल पर, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी होता है कि इफेक्ट्स लिखा होता है। अगर आपका यहाँ इफेक्ट्स नहीं लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम, आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपली आना है ऊपर हेल्प के साथ, यहाँ देख सकते हैं विंडो लिखा हुआ है। जैसे हम विंडो को क्लिक करते हैं, और उसके बाद शिफ्ट 7 भी क्लिक कर सकते हैं इफेक्ट्स लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स ऑप्शन से आ चुकी है, और इफेक्ट्स ऑप्शन में आप काफ़ी देख सकते हैं ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, वीडियो इफेक्ट्स हैं, वीडियो ट्रांजिशंस हैं। तो इन्हीं के बीच आप कोई किसी भी किस्म का अगर आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इन्हीं को क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वीडियो में मज़ीद एडिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वीडियो ट्रांजिशंस के ऊपर। तो आप यहाँ जैसे ही वीडियो ट्रांजिशन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस टाइप की है। अगर आपकी वीडियो एक है ओवर है, तो आप सिंपली इसको पेज फील पर भी कर सकते हैं, स्लाइड पर भी कर सकते हैं, जूम पर भी कर सकते हैं, वाइपर भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो सिंपल है, तो मैं सिंपली सिनेमैटिक मोड बनाने के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर या तो डिप टू ब्लैक लूँगा, या मैं क्रॉस रिजॉल्व ले लूँगा। ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर। अब जैसी वीडियो को लाइक करते हैं कि भाई मेरी वीडियो में ट्रांजिशन ऐसी हो, तो आप सिंपली 1 by 1 करके ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी वीडियो सिंपल है तो सिंपली आप क्रॉस रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने वीडियो में ट्रांजिशन ऐड कैसे की, सिंपल यही कि आपने ट्रांजिशन को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके आपने अपने कट जो आपने लगाया हुआ है अपनी वीडियो में उसमें आपने सिंपली ड्रॉप कर देना है ऐसे।
और अब हम यहाँ पर वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी दिखती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वीडियो में ट्रांजिशन लग चुकी है। तो अब हम यहाँ से, तो आप ये देख सकते हैं एकदम ब्लैक हमारी स्क्रीन होगी और उसके बाद हमारी न्यू वीडियो स्टार्ट होगी। इसका मतलब मैंने अपनी वीडियो में ट्रांजिशन लगाई है, ट्रांजिशन नेम है डिप टू ब्लैक। कोई भी ट्रांजिशन आप ऐड कर सकते हैं और आप ट्रांजिशन की लेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत से इजीली। तो यहाँ से हम अगर क्रॉस रिजॉल्व करते हैं वो देखते हैं उस ट्रांजिशन में क्या है। अब मैं दोबारा इस प्ले हेड को पीछे लेकर जाता हूँ अपनी ट्रांजिशन से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से जज कर पा रहे होंगे कि हमारी वीडियो विदाउट ट्रांजिशन कैसी थी और आफ्टर ट्रांजिशन हमारी वीडियो कैसी देखने को मिलेगी आपको। और उसके बाद डिफरेंट ट्रांजिशन, अगर आपकी वीडियो सिंपल है या आपकी वीडियो फैशन वाली है तो आप उस हिसाब से वन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही चेक करता था कि कौन सी ट्रांजिशन मेरे लिए बेस्ट रहेगी, मेरी वीडियो के लिए कौन सी ट्रांजिशन बेस्ट रहेगी। तो आप सिंपली वैसे कर सकते हैं। ईडीस भी है, ईडीस भी एक बहुत ही एक ज़बरदस्त ट्रांजिशन है। इसमें आपको शेप्स मिल जाती हैं और किसी भी डिफरेंट शेप्स आप ले सकते हैं, डायमंड, राउंड, बॉक्स और उसके बाद पेज फील। इसमें ऐसे जैसे आप पेज को टर्न कर रहे हो ऐसी ट्रांजिशन आपको मिल जाती है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कैसी ट्रांजिशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजिशन ऐसे जैसे पेज को हम टर्न कर रहे हैं। और अब हमने यहाँ पर दोस्तों वीडियो पर तो ट्रांजिशन ऐड कर दी, जो कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्ट में बताया था कि हम एक पिक्चर पर भी ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पर आते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स कोई भी ले लेते हैं। लाइक यहाँ पर माइक्रोफोन की एक पिक्चर ले लेता हूँ और कहीं पर भी मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा इस सेगमेंट के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप पिक्चर देख लें, पिक्चर ये वाली पिक्चर है और इसका जो मेरे ख्याल से स्केल इसका बड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसका स्केल कंट्रोल करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल और 100% को थोड़ा सा कम कर देंगे और वीडियो से कम ही करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे हम पिक्चर, एक पिक्चर है और इसमें हमने ट्रांजिशन ऐड की है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करूँ, वही रूल है, आपने सिंपल वही जाना है, वीडियो ट्रांजिशन। उसके बाद आप पेज फील पर कर देते हैं, उसके बाद हम कर देंगे पेज टर्न। यहाँ पर वो लगा लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रांजिशन आ चुकी है जो कि पिक्चर पर हम ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं। लिखा तो हुआ है यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन, मगर आप पिक्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इन ट्रांजिशन की तो समझ लग गई होगी। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था वो ये था कि हम अपनी वीडियो में स्पीड ड्यूरेशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्लोमो कैसे बना सकते हैं, फास्ट मोड पर वीडियो को कैसे हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम अगर अपनी वीडियो को रिवर्स मोड पर प्ले करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने सिंपली कोई भी वीडियो को अगर आप करना चाहते हैं फास्ट मोड पर, रिवर्स मोड पर या स्लो मोड पर, हम फर्स्ट करें हम इस लास्ट जो वीडियो है, लास्ट हमारा जो फुटेज है, हम इसको करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो ऑडियो है उसको भी आपने क्लिक करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इस यहाँ पर अगर अनलिंक करना चाहते हैं, अनलिंक को क्लिक कर दें तो आप ये देख सकते हैं अभी अनलिंक हो चुका है। तो अगर आपने दोस्तों इसको अनलिंक करना है सिलेक्ट ऑल करके, फिर यहाँ से सिंपली इसको लिंक कर देना है। अब ये दोस्तों जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका वीडियो और ऑडियो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने दोस्तों इसमें स्लो मोड कर लाना है, वो कैसे लाएंगे, आपने इसको दोस्तों राइट क्लिक करना है अपने फुटेज को, उसके बाद यहाँ पर स्पीड ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक पैनल देखने को मिलेगा, इसमें क्या है एक्चुअल स्पीड जो होती है दोस्तों 100% होती है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों स्पीड करता हूँ 50% का मतलब है कि हमारे दोस्तों ये 100% हाफ परसेंट हमारे दोस्तों यहाँ पर स्लोमो चलेगा। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारा टाइम भी इंक्रीज़ हो चुका है। टाइम इंक्रीज़ होने का मतलब यही है कि हमने हमारी वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रेच आ चुका है। कैसे आ चुका है आप यहाँ देख सकते हैं, आप 1% की रनिंग आप देख सकते हैं। इसे जज कर सकते हैं कि पहले अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, एक तो मैंने कंट्रोल जी कर किया, एक तो हमारी वीडियो का जो साइज़ है वो भी कम हो चुका है और उस पर रनिंग पे भी आप जज कर सकते हैं काफ़ी तेज़ रनिंग है। अगर मैं इसे कंट्रोल वाई करता हूँ, कंट्रोल वाई नहीं, चलो हम इसको दोबारा से कर देते हैं, आपको बेटर आइडिया है स्पीड ड्यूरेशन, यहाँ से हम इसको 50% कर देते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, 50% करना चाहते हैं, 60% करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना स्लो स्लो लग रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने अपनी वीडियो में स्लोमो को ऐड कर दिया है और हमारी वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। वैसे भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो नहीं कर सकते,
आपको सिंपली स्लोमो ऐड करने के लिए वही काम करना चाहिए। आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर स्पीड ड्यूरेशंस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आप 50% कर दें या 60% कर दें, 100% से जितना भी काम होगा वो आपका स्लोमो ही आएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम दोस्तों चाहते हैं कि इसमें फास्ट मोड प्ले करें तो वो कैसे करेंगे, जैसे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 जो इसका एक्चुअल साइज है, जो हमारी ओरिजिनल वीडियो थी वो है 100। अब हम इसमें फास्ट मोड करना चाहते हैं, हम यहाँ कर देंगे 150। तो पहले आपने देखा कि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो चुकी थी, अब वीडियो की लेंथ एक्चुअल साइज से भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं रनिंग कितनी देर हो चुकी है, आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये फुटेज दोस्तों डाउनलोड किया था कि आपको आइडिया हो जाए। तो अब हम बात करते हैं रिवर्स मोड पर। जैसे ही आप दोस्तों रिवर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो रिवर्स चलेगी। कैसे रिवर्स चलेगी, हम यहाँ से दोबारा से प्ले करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वीडियो रिवर्स चल रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था रिवर्स चल रही है। और उसके बाद मैंने क्या किया था, 150 भी रखा हुआ था। 150 मतलब कि फास्ट मोड में रिवर्स चल रही है। हम यहाँ सिंपली इसको 100 कर देते हैं और यहाँ से सिंपली एंटर कर देते हैं अपने कीबोर्ड से। अब हम वीडियो को प्ले करते हैं, ये देखें हमारी वीडियो रिवर्स भी चल रही है और हमने अपनी वीडियो में कोई स्लोमो नहीं ऐड किया, कोई फास्ट मोड नहीं ऐड किया। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, और वहाँ पर हम और एडवांस चीज़ें सीखेंगे कि अपने एडोब प्रीमियर प्रो पर अपनी यूट्यूब वीडियो को एडिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और भी जितने भी फैक्ट्स हैं उसको भी हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इसी के साथ अपने चैनल इजी वे फ्रेंड रेड को इजाज़त दें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।